गौरी से शादी करने के लिए शाहरुख खान ने बदल दिया था अपना नाम, तो वहीं निकाह करने के लिए गौरी भी बन गई थी आयशा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है शाहरुख और गौरी की शादी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें। फैंस ने किया है रिएक्ट। जी हाँ, क्या है ये पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वेल, शाहरुख खान जितना अपने स्टारडम और चार्म को लेकर जाने जाते हैं, उतना ही अपनी प्रेम कहानी को लेकर। जहां आज के युवाओं में गौरी और शाहरुख की जो प्रेम कहानी है वो फेमस है। वेल, हम आपको बता दें कि शाहरुख खान और गौरी की शादी से जुड़ी हुई कुछ अनसीन तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इन तस्वीरों में हम साफ साफ गौरी और शाहरुख के बीच का प्यार देख सकते हैं। लेकिन गौरी और शाहरुख की जो शादी है वो इतनी आसानी से नहीं हुई। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान ने गौरी से शादी करने के लिए अपना नाम बदल लिया था, तो वहीं गौरी भी बन गई थी आयशा शाहरुख से निकाह करने के लिए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि शाहरुख खान ने अपना नाम बदल कर जितेंद्र कुमार तुल्ली रख लिया था, तो वहीं शाहरुख से निकाह करने के लिए गौरी भी आयशा बन गई थी। अलग अलग धर्मों के होने की वजह से शाहरुख और गौरी की जो शादी थी उसमें काफी अड़चने आई। जहां गौरी के घर वालों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि शाहरुख जो है वो उनके धर्म को बिलोंग नहीं करते, ऐसे में दोनों की शादी काफी मुश्किलों से हुई। हम आपको बता दें कि यहाँ गौरी और शाहरुख दोनों ने ही एक दूसरे को अपना प्यार प्रूव किया और फाइनली दोनों की प्रेम कहानी पूरी हो गई। लेकिन यहाँ शाहरुख ने गौरी से शादी करने के लिए अपना नाम रख लिया था जितेंद्र कुमार तुल्ली। मुख्ताक शेख की किताब शाहरुख कैन में उन्होंने ये बताया है कि शाहरुख ने अपना नाम बदला दो सुपरस्टारों को ट्रिब्यूट देने के लिए। अपनी दादी के लिए उन्होंने अपना नाम जितेंद्र इसलिए रखा क्योंकि उनकी दादी को वो बॉलीवुड अभिनेता की तरह लगते थे और तुल्ली राजेंद्र कुमार का सरनेम है। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी हुई इसी तरह की ढेर सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।